एयरफोर्स का नोटिफिकेशन आउट हो गया, आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे उसके देख सकते हैं। खैर, जो मेजर चेंजेस हुए हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो 1600 मीटर की रेस होती थी उसको 7 मिनट कर दिया गया, उसकी जो टाइमिंग है वो 7 मिनट कर दी गई है, पहले 6.5 मिनट होती थी। उसके बाद में जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 1600 मीटर की जो रेस है वो 8 मिनट में करवानी है, मतलब 8 मिनट में वो कर सकती हैं एकदम आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 10 पुशअप, 10 सिटअप और 20 स्क्वाट जो पहले होता था वही होगा, लेकिन अब ये कर दिया गया है कि सबको एक एक मिनट मिलेगा, मतलब 10 पुशअप करनी है 1 मिनट में और 10 सिटअप करनी है 1 मिनट में, 20 स्क्वाट करनी है 1 मिनट में, मतलब मैक्सिमम टाइम उसमें दे दिया है नोटिफिकेशन में, आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद में जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी उन्हें क्या करना है, 10 सिटअप करनी है और 15 स्क्वाट करनी है। 10 सिटअप उन्हें 1.30 मिनट में करनी है, मतलब 1.5 मिनट में उन्हें 10 सिटअप करनी है और 1 मिनट में उन्हें 15 स्क्वाट करनी है। ईजी है बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिलेबस क्या चेंज हुआ है, क्या नहीं हुआ है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या चेंज हुआ है, ये सब आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। जो चेंजेस हुए, जो मेजर चेंजेस हुए वो हमने आपको बता दिए हैं, जो कि है 1.6 किलोमीटर की जो रेस होती थी उसको मेल कैंडिडेट के लिए 7 मिनट कर दिया गया है और 1.6 किलोमीटर की जो फीमेल के लिए जो रेस है उसकी टाइमिंग 8 मिनट कर दी गई, 8 मिनट कर दी गई है। तो यही मेन था, इसको बता दिया। और आगे की जो स्ट्रेटजी वीडियोज़ हैं और जो बहुत से मेरे भाई बोल रहे हैं कि मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करें, किस बुक से मैथ पढ़ें, कंप्लीट मैथ वाई ग्रुप के लिए कहाँ से करें, वो सारे वीडियो धीरे धीरे अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।